फिटनेस की ओर से चार मुकाबले में 99 बीच बड़े शॉट की तलाश। जी हाँ, देर से आए हुए दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार, अभिनंदन, शुभ संध्या। आज के दिन का यह 7वां मुकाबला ऋषि 11 वर्सेस रॉकफोर्ड ब्लास्टर। और इसी बीच हवाई फायर करण को यहां पर देखा गया है। शानदार कैच अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने लपके है। और जिस तरह से सर्वाधिक कैच जो लपके गए हैं विकेट के पीछे, रौनक कैच 11 एंड 45 फिटनेस की ओर से 5 मुकाबले में 8 कैच, 6 मुकाबले में 60 कैच लपके सनील ने। नीलेश टंडेल जिन्होंने बाइक वाइंस की ओर से 6 मुकाबले में 6 कैच लपके, और 6 मुकाबले में 6 कैच सोहिल टंडेल रॉकफोर्ड ब्लास्टर के कप्तान ने, और 6 मुकाबले में 6 कैच करण ने भी लपके है। चार रन अभिषेक जिनके लिए इनाम है। अभिषेक अगर हर एक सिक्सर लगाएंगे तो प्रति सिक्सर पर ₹500 का नगद पुरस्कार मिलन टंडेल मोटेगाम शेरी की ओर से रखे गए हैं। और इसी बीच काफी सुरक्षित गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है ऑफ साइड की तरफ, पर इस बार थोड़ी सी दिशाहीन। अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। आज के दिन का यह 7वां मुकाबला रॉकफोर्ड ब्लास्टर और ऋषि 11 के बीच अगली गेंद लेकर। और इसी बीच रनआउट का खतरा हो सकता है, और यहां पर रन हो सकता था। दो युवा खिलाड़ी मौजूद है। और इसी बीच आखिरी गेंद अनिशेष, और जहां तक सवाल है अभिषेक जिनके लिए इनाम रखा गया है मिलन टंडेल की ओर से ₹500 का प्रति सिक्सर पर। और इसी बीच हवा में गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद, क्या कमाल का प्रदर्शन हुआ था, प्रयास अच्छा हुआ था। अगर यहां से रन रोक भी पाते तो अच्छी बात रहती ऋषि 11 के लिए। आखिरी गेंद पर आया चौका, और पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 10 रन बिना एक विकेट के नुकसान पर। विकेट भले ही एक प्राप्त किया हो, पर थोड़े से आखिरी गेंद पर एक और विकेट हो सकती थी। फील्डर थोड़ी सी अगर तेजी रखते हैं तो यहाँ पर
हाई फायर, गेंद गई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, जी हाँ चार रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, एक विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय दिया है यहाँ पर रॉकफोर्ड ब्लास्टर ने, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने का पूरा प्रयास उनकी ओर से। युवा बल्लेबाजों को आज मौका दिया जा रहा है। अगली गेंद लेकर इस ओवर की पहली गेंद पर चौका, और यहां पर एक और कैच ड्रॉप। जी हाँ गेंदबाज करे तो क्या करे, जब इतनी मिसफील्डिंग हो रही है, यहां पर गेंद को रोकना था, कैच अगर नहीं भी आता तो रन तो रोक सकते थे। और इसी बीच 4 रन, बैक टू बैक बाउंड्री, एक तेज टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल मिला था, और यहां पर बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने में थोड़ी सी बीट जरूर किया था, सही तरह से गेडर नहीं कर पाए। इसी बीच एक अच्छी गेंद, और यहां पर एक और अच्छा प्रयास, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज टूट पड़े 2 रनों के लिए, और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। शुरुआती 3 गेंद पर रन किए प्राप्त 10। जीकू एक अच्छे गेंदबाज मौजूद है जरूर जिग्नेश, बस जिस एनर्जी की जरूरत है वो यहां पर। शानदार कैच, इस टूर्नामेंट का यह उनका 8वां कैच। और यहां पर श्रेय की विकेट का हुआ पतन, और यहां पर आज एक नंबर 3 की मुख्य भूमिका पर भेजा गया था श्रेय को, अपनी टीम के लिए 4 गेंदों में 10 रन बनाकर वापस पेवेलियन में जा चुके हैं। एक छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली है अपनी टीम के लिए। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब कप्तान आ चुके हैं रॉकफोर्ड ब्लास्टर के सोहेल डंडेल, एक बेहतरीन ऑलराउंडर भूमिका में है फिलहाल जिग्नेश। शुरुआत में थोड़े से महंगे साबित होने के बाद एक सफलता यहां पर प्राप्त हुई है। आने वाली 2 गेंदें अनिशेष, फिलहाल स्ट्राइक पर अभिषेक। अगली गेंद लेकर जिग्नेश, इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद वन बाउंस ओवर द रोप सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जिस तरह से एक बार बीच 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 28 रन, इस ओवर से आए 18 रन, 4 चौके, 1 विकेट, 1 डबल। कहीं ना कहीं थोड़े गेंदबाज महंगे जरूर साबित हुए जिग्नेश, अच्छी गेंदबाज जरूर है, पर जिस तरह से यहां पर एक एनर्जी के साथ गेंदबाजी की जरूरत थी। इसी बीच कप्तान यहां पर स्ट्राइक पर पहुंचे है, एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 28 का स्कोर 28। पावर प्ले में बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। अब 30 यार्ड के सर्कल के बाहर अतिरिक्त फील्डर को रखा जाएगा, विकेट कीपर पे आए हैं ऋषि 11 के कप्तान सनील, और इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 29 रन।
और इसी बीच अच्छी गेंद थी, इस बार धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया, बड़े शॉट की तलाश जरूर थी, सीधी गेंद बॉडी से टकराई, डॉट बॉल। बीच अगली गेंद लेकर यॉर्कर का प्रयास यहां पर ज्यादातर किया जा रहा है, एक अच्छी सोच गेंदबाजी में चंद्रकांत बाले की ओर से, जिस तरह से इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक उनके नाम था, अब तक जो हैट्रिक मिले हैं जयेश मीठा इसी बीच क्लीन बोल्ड जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, और इसी के साथ 8 गेंदों में 17 रनों की महत्वपूर्ण पारी यहां पर खेली गई युवा खिलाड़ी अभिषेक के द्वारा, और इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 30 रन के स्कोर पर तीसरा झटका। यहाँ पर क्या कमाल की गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद का प्रयास किया, यॉर्कर यू मिस आई हिट वाली गेंद थी, टेबल के ऊपर अगर नजर की जाए तो रॉकफोर्ड ब्लास्टर फिलहाल पहले नंबर पर है, 5 मुकाबले में से 4 जीती थी और 1 हार, छठा मुकाबला खेल रही है, किलर 88 दूसरे नंबर पर, 5 मुकाबले में से 3 जीती थी और एक बार फिर गेंदबाज चंद्रकांत बाले के लिए हैट्रिक का मौका, इसी बीच एक बार फिर यहां पर मौका हैट्रिक का, देखना होगा चंद्रकांत बाले यहां पर किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी पर आए हैं दिवेक, बिल्कुल सही गेंद थी यहां पर, टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल, और इसी के साथ सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31, 4 विकेट के नुकसान पर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला ऋषि 11 के लिए। और बेहतरीन कैच, जी हाँ, सोहिल डंडेल की विकेट का हुआ पतन, राजन यहां पर कैच लपकते हुए, और बहुत ही शानदार यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए चंद्रकांत बाले, लीडिंग विकेट टेकर अब बन चुके हैं वो इस टूर्नामेंट में।
चंद्रकांत बाले हैं जिन्होंने 12 विकेट लीडिंग विकेट टेकर इस टूर्नामेंट के बन चुके हैं। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पर चंद्रकांत बाले के स्पेल की अगर बात की जाए तो 2 ओवर के कोठे में उन्होंने 13 रन खर्च करके 4 सफलता प्राप्त की। इस बार थोड़े से संकट के बादल जरूर छाए हुए हैं रॉकफोर्ड ब्लास्टर के खेमे में। बल्लेबाजी पर आए हैं अगले बल्लेबाज मैग्नस। इस तरह से रॉकफोर्ड ब्लास्टर के शुरुआती 3-4 बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे, ज्यादातर उनके पिछले बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया मिल रहा था, आज यहाँ पर मौका मिला है। खेल बचा है अब 3 ओवर का और इसी बीच गेंदबाजी में शामिल किया गया है वासु को। बेहतरीन गेंदबाज एक ऑलराउंडर भूमिका में है लेफ्ट हैंड और इसी बीच एक अच्छी गेंद, धीमी गति की जरूर थी और बिल्कुल बड़े शॉट का प्रयास बल्लेबाज दिवेक की ओर से। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल। ये 4th ओवर प्रगति पर 31 रन रुका हुआ स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेवेलियन में जा चुकी है। और इसी बीच यहां पर कैच भी छोड़ा और बॉल भी छोड़ा, जी हाँ, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। प्रतीक कैच हो सकता था बिल्कुल उनके जहां तक पर खड़े थे 5 कदम अगर तेजी से आते और इस चौके के साथ आत्मविश्वास बुलंद होता हुआ विवेक का आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। विकेट यहां पर 5 बल्ले प्राप्त कर चुकी है पर रनों की गति काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। इसी बीच एक और बड़े शॉट की तलाश, और इसी 1 रन के साथ लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रन और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। और इसी बीच शामिल किया गया है नंबर 7 के एक मुख्य रोल पर मैग्नस को। आक्रामकता यहां से दिखानी होगी इस सीजन में जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया है। यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा और 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। और बिल्कुल सुरक्षित जगह पर खेल लिया यहां पर दिवेक ने, जो गैप बन रहा था वहां पर गैप ढूंढ निकाला। अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में की जा रही है, 2 चौके अब तक जड़ चुके हैं बल्लेबाज दिवेक। और यहां पर गेंद को छोड़ा, जी हाँ, टप्पा खाने के बाद जिस तेजी के साथ थर्ड मैन की दिशा में जाती है गेंद, यहां पर तेजी दिखानी चाहिए फील्डर को। जिस तरह से विकेट के पीछे इसी प्रकार की गेंद आती है और यहां से आए 3 चौके, अच्छी स्थिति में आ चुकी है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46, 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 46 का स्कोर। .11.50 का औसत यहां पर प्राप्त करते हुए 4।
गेंदबाज एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर मौजूद मेगनेस और इस बार बहुत ही कमाल की नपी टोली गेंद ही टप्पा खाने के बाद नीचे रही। बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में थे। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। इसी बीच इस ओवर की पहली गेंद बनी डॉट। एक और इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल। जी हाँ, हर एक गेंद में विविधता लाते हुए गेंदबाज प्रतीक मेगनेस, जिनके ऊपर जिस तरह से नंबर 7 की एक मुख्य भूमिका रन बनाने की रहती है, बल्लेबाजों की एक लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में उनको भेजा गया। अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, यहां पर निश्चित रूप से वाइड हो सकती थी और छेड़ने का प्रयास, गैप ढूंढना चाहते थे शायद फाइन लेग की तरफ। इसी बीच एक रन और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। डीवेक का विकेट काफी महत्वपूर्ण है, एक ब्रेक थ्रू की जरूरत यहां पर ऋषि 11 को। ये 5वां ओवर प्रगति पर और यहां पर एक बेहतरीन शॉट। जी हां, खराब गेंद हुई थी, गेंद सीधी गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर। बीच जिस तरह से प्रतीक एक और बेहतरीन शॉट। प्रतीक के पास एक मौका था यहाँ पर विवेक को आउट करने का, कैच वहां पर अगर लपक लेते तो यहाँ पर बैक टू बैक सिक्सर नहीं रहते। और इसी बीच लगातार 2 छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 59। 5वां ओवर प्रगति पर है, काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है। प्रतीक ओवर की आखिरी गेंद लेकर अच्छी फील्डिंग और एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहेंगे। और इसी बीच 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 60। आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष। ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 60।
इस बीच गेंदबाजी में शामिल किया गया है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज वासु को 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 60 बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी और यहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है। करम कमाल का थ्रो दिया था करण की ओर से, काफी चुस्त फील्डर इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कैच लपके गए हैं उनकी ओर से एक अच्छी फील्डिंग का नजारा करते हुए। अगली गेंद लेकर और इसी बीच फील्डिंग में हो रही है थोड़ी सी सजावट, आखिरी 5 गेंदों का खेल अनिशेष और इसी बीच खेल लिया है सुरक्षित जगह पर। जी हाँ, मिड विकेट की तरफ टप्पा खाने के बाद गेंद ओवर द रो बाउंड्री और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65। इसी बीच 5 विकेट के जाने के बाद जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला है बेहतरीन तरीके से, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, नपी डुली गेंद की जरूरत थी और बिल्कुल सही धीमी गति का ब्लॉकल बल्लेबाज को बीट करने के लिए काफी हद तक सफल रहे। जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों के बीच जो एक पार्टनरशिप हुई है 16 गेंदों में 35 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। अगली गेंद लेकर वासु, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ी सी दिशाहीन रही वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। और यहाँ पर काफी अच्छा प्रयास और यहाँ पर काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन हुआ है, देखना होगा। इसी बीच चार रन, पिछली गेंद काफी अच्छी रही थी, वाइड जरूर गई थी पर बिल्कुल जड़ में डालने का प्रयास है, एक अच्छी सोच के साथ जैसे ही गेंद बीच में टप्पा गिराई और यहां पर गिल्ली उड़ी। जी हाँ, देर से है दुरुस्त है, आखिरी गेंद पर सफलता, 12 गेंदों में 31 रनों की पारी यहां पर खेल के गए। ब्लास्टर पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 71 और जीतने के लिए 72 का लक्ष्य, 12 रन प्रति रन रेट की औसत से यहां से रन बनाने होंगे और ऋषि 11 की पास क्षमता भी है रन बनाने की। उसके जो बल्लेबाज है सनील सर्वाधिक स्कोरर है फिलहाल इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर
जिसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। आज के दिन का आखिरी मुकाबला किलर 88 और केट्स 11 45 फिटनेस जिम के बीच। तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। पर 12 रन प्रति रन रेट के औसत से रन बनाने हैं 72 रन। दो प्रारंभिक बल्लेबाजों का हो रहा है इंतजार। ऋषि 11 के दो प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द जाए। मुकाबला आज के दिन का सातवां मुकाबला रॉकफोर्ड ब्लास्टर और ऋषि 11 के बीच। टॉस जीता था रॉकफोर्ड ब्लास्टर ने। शुरुआत में पारी लड़खड़ा रही थी। प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं करण और चंद्रकांत, एक युवा प्रतिभा तो एक अनुभवी बल्लेबाज। देखना होगा जिस प्रकार से प्रति ओवर 12 रन के आसपास से रन बनाने हैं। 72 रन 6 ओवर की गेंदबाजी की कमान खुद कप्तान सोहिल टंडेल। अगली गेंद लेकर पहली गेंद पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। और इसी बीच सिंगल के साथ अकाउंट यहां पर शुरू हुआ। इसी बीच पहली ओवर की दूसरी गेंद लेकर सोहिल टंडेल। क्या कमाल का शॉट! जी हां, क्रिकेटिंग शॉट। डिफेंडर कवर के ऊपर से फील्डर की ओर से शानदार प्रयास हुआ था। और इसी बीच दो फील्डरों के बीच जिस प्रकार से गेंद गई चौके में तकदील 4 रन। और यहां पर हुई गलती। जी हां, दो पैरों के बीच से गेंद को निकाला।
और जिस तरह से पिछली गेंद पर मिस की मैग्नेस बेहतरीन फील्डर है, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल क्षेत्र रक्षक अब तक अच्छी यूनियन की ओर से की गई थी और यहां पर एक बार फिर हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे दबाव आप देख सकते हैं मैदान पर साफ। संदीप फील्डर मौजूद, अगर साथी फील्डर यहां पर बैकअप कवर ना देता तो निश्चित रूप से रन आ सकते थे और सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, बिल्कुल सही औसत से रन बनाए जा रहे हैं। और इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ साइड की तरफ, अगर वीरेंद्र सहवाग वाला बल्ला चलाते तो निश्चित रूप से यहां पर एक करारा शॉट देखने को मिल सकता था। हालांकि ऑफ साइड की तरफ काफी ध्यान दिया गया है गेंदबाज के द्वारा, एक दीवार सी खड़ी की गई है 30 यार्ड के सर्कल के बिल्कुल करीब। थर्ड मैन गली पॉइंट मिड ऑफ कवर, और जो मिड ऑफ का जो गैप है खुला रखा है बल्लेबाज के लिए। और इसी बीच मिड विकेट के ऊपर वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और हमारे अर्जुन और उनकी जो टीम है, प्लीज मस्ती टाइम चल रहा है उनका, बॉल लेने के लिए जाए। हालांकि दिलीप नगर का यह मैदान इस समय में छोटे बच्चे खेलने के लिए जरूर आते हैं, पर 4 दिन के लिए टंडेल समाज दमन ने यह बुक किया हुआ है। और पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन बिना विकेट के नुकसान पर, एक बेहतरीन शुरुआत आगाज यहां पर हुआ है बेहतरीन। जीतने के लिए रन चाहिए 72, यानी कि बाकी बची गेंद 30, और 30 गेंदों में रन चाहिए 58। इसी बीच गेंदबाजी में शामिल किया गया है संदीप को, और इसी बीच एक बड़ी मछली जाल में लग सकती थी, बल्ले का बाहरी किनारा रन चुराने का साफ प्रयास यहां पर किया जा रहा था। हर एक गेंद पर रन बनाने का पूरा प्रयास, जीतने के लिए 72 का लक्ष्य है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन, देखना होगा यहां पर किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाती है। धीमी गति की गेंद को शामिल किया गया और यहां पर पूरी तरह से झुके, जहां पर हवा की तेज बहाव चल रही है वहां पर खेलने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि अगर बल्ले से लगती भी गेंद तो निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के आसपास रहती। साइड की तरफ हवा का तेज बहाव बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है, पर यहां पर दोनों बल्लेबाजों को देखा गया है, लेग साइड की तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है। और इसी बीच एक अच्छा शॉट, जिस प्रकार से मिड ऑफ के क्षेत्र में खुला गैप था और यहाँ पर जमीन के सहारे डाउन द ग्राउंड गेंद गई।
इसी बीच अगली गेंद लेकर इस बार क्या कमाल का कनेक्ट। जी हाँ, बल्ले से जब ये गेंद लगी बेहतरीन ध्वनि उत्पन्न हुई, सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए एक शानदार शुरुआत। पावर प्ले का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त। ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 25 रन बिना विकेट के नुकसान पर, प्रति ओवर 12 का औसत चाहिए और यहां पर किया हुआ है प्राप्त 12.50 का। इसके बाद जो मुकाबला होगा आज के दिन का आखिरी मुकाबला किलर 88 और कैट्स 11:45 फिटनेस जिम के बीच। कैट्स 11:45 फिटनेस जिम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। कैट्स 11:45 फिटनेस जिम के कप्तान प्लीज कम ऑन द स्टेज। यहां पर जिस तरह से इनाम रखा गया है, सोहिल भाई अगर बल्लेबाज करण की विकेट लेंगे तो ₹500 का नगद इनाम दिया जाएगा प्रतीक फ्राई की ओर से। और यहां पर बिल्कुल सोच समझकर पारी खेली जा रही है, एक लंबी पारी की। और इसी बीच एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, दो बल्लेबाजों के बीच एक बेहतरीन तालमेल और इसी तालमेल की वजह से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन 28। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। सोहिल भाई अगर करण की विकेट लेंगे तो ₹500 का नगद इनाम प्रतीक फ्राई की ओर से रखा गया है। और यहां पर हुआ था रिवर्स स्वीप का प्रयास, जब सीधी उंगली से गेंद निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली क्यों करना। डॉट बॉल, एक अच्छे बल्लेबाज है करण, एक लंबी पारी खेलनी होगी। ऑफ साइड की तरफ अगर सीधे बल्ले से हल्की सी दिशा भी देंगे तो अच्छे रन आ सकते हैं। 28 रन फिलहाल रुका हुआ स्कोर। और इसी बीच मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, काफी तेजी के साथ फील्डर श्रेय गेंद पर टूट पड़े, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। एक अच्छा शॉट देखने को मिला, फील्डर वहां पर जरूर तैनात है, पर इस प्रकार के शॉट ऑफ साइड पर लगाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। इकतीस रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच एक और अच्छी गेंद, हल्के हाथों से जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ खेलने का प्रयास, वहां पर एक अच्छी तालमेल और सिंगल के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 32 रन, 8 रन प्रति रन रेट का औसत यहां से हुआ है प्राप्त। कैमरामैन जो के यहां पर दोस्त की गतिविधि हो रही है। आज के दिन का आखिरी मुकाबला किलर 88 और कैट्स 11
45 फिटनेस जिम के बीच टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई। कैच 11 45 फिटनेस ने जिम ने टॉस जीता है। और यहां पर अभिषेक अगर हैट्रिक विकेट लेंगे तो 2000 रुपए नकद रखे गए हैं मिलन की ओर से। देखना होगा यहां पर विकेटों की तलाश तो बिल्कुल साफ है। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 32 रन 32 बिना विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत पिछली ओवर से सिर्फ 7 रन आए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर सोहेल टर्नल ने एक अच्छी वापसी की अपनी टीम के लिए। कप्तान है और रन बचाने का पूरा प्रयास। अठारह गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता है। और इसी बीच तेज गति की गेंद को वाइड की तरफ बाहर निकलती हुई गेंद। जी हाँ, अंपायर परेश पटेल हल्की सी अपनी बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 33। जीतने के लिए जिस प्रकार से 72 का पीछा किया जा रहा है, और यहां पर एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 34। रनों की यहां पर बिल्कुल जरूरत है। बिना विकेट गवाए यहां पर 34 रन प्राप्त हो चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर फुलटॉस गेंद थी, यहां पर मिल सकता था बड़ा रन। जी हाँ, जिस तरह से यहां पर एक सैट बल्लेबाज को चलता किया करण ज्यादातर अपना पैर ज्यादा चला रहे थे। और इसी बीच शामिल हो चुके हैं बल्लेबाज सनील, जिनके ऊपर अब काफी जिम्मेदारी। ऋषि 11 के कप्तान है। इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर लीडिंग स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, और यहां पर दिखाना होगा कि क्यों वो लीडिंग स्कोरर है। एक अच्छी पारी खेलनी होगी, टीम को जरूरत है। चौतीस रन के स्कोर पर पहला झटका। जीतने के लिए लक्ष्य है 72 का। यहां पर सनील अगर इस मुकाबले में लंबी पारी खेलेंगे तो यहाँ पर ऋषि 11 जीत के बिल्कुल पास जा सकती है। एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी जिस प्रकार से रन चाहिए। 72 रनों का पीछा किया जा रहा है। अभी से एक तेज गति के गेंद हैट्रिक के लिए उनके लिए इनाम जरूर रखा है मिलन की ओर से। फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर गेंद को खेला और सिंगल के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी को रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 35 रन। अभी भी 15 गेंदों का खेल अनिशेष और 15 गेंदों में जीतने के लिए 37 की आवश्यकता। और इसी दरकार थी बड़े शॉट की। जी हाँ, चंद्रकांत बाले यहां पर अपना अनुभव परोसते हुए 6 रन मिडल ऑफ द बैट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। आगे बढ़ता हुआ स्कोर, तेज गति की गेंद को जिस तरह से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट खेला चंद्रकांत बाले ने। आगे बढ़ता हुआ स्कोर
और यहां पर गलती की, सेट बल्लेबाज पिछली गेंद पर छक्का लगाया और यहां पर गलती की। जब पिच पर टिके रहना था तब अपने हाथों से जानबूझकर विकेट यहां पर गवाई। एक अनुभवी बल्लेबाज और इस प्रकार की गलती। यहां पर चंद्रकांत बाले एक अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, तोहफे के रूप में यहां पर विकेट। पहले तो पिछली गेंद पर छक्का लगाया, फिर एक धीमी गति की यॉर्कर गेंद पर बीट, आगे आकर खेलने का प्रयास और विकेट कीपर सोहेल टंडेल ने कोई गलती नहीं की। बेहतरीन सफलता जिस ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, एक बार फिर यहां पर इस ओवर में दो सफलता प्राप्त होती हुई। नंबर चार की एक मुख्य भूमिका पर भेजा गया है राजन को, और जहां तक देखा गया है अभी भी ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष, रुका हुआ स्कोर। और यहां पर दो फुलटोस गेंद पर दो बल्लेबाज आउट हुए, करण और राजन। यहां से बड़े शॉट मिल सकते थे और दो फुलटोस गेंद पर अगर छक्के चौके भी मिलते। और इसी बीच समाप्ति हुई ओवर की, चार ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 41। और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 31। गेंदबाजी में शामिल किया गया है जुगल को। बीच जुगल को शामिल किया गया है। और यहां पर एक बेहतरीन शॉट, जी हाँ, दर्शक मैदान के बाहर कैच का मजा लेते हुए। और जिस तरह से पहली गेंद शॉट हुई थी, महत्वपूर्ण मुकाबला जारी। ऋषि 11 जीतने के लिए 11 गेंदों में रन चाहिए 25। और सनील का जहां तक सवाल है, महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में, उनके बल्ले से काफी रन आए हैं, तो उनको यहां पर आखिर तक टिके रहना काफी जरूरी। आखिरी ओवर तक यहां पर सनील टिके रहेंगे तो रन बना सकते हैं।
एक लंबी पारी की जरूरत है, देखना होगा, ज्यादा जल्दबाजी काफी रहती है उनकी, पर यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना काफी जरूरी। शानदार शॉट, जी हाँ, जब तक फील्डर फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी गेंदबाजी इस पर वापसी करते हुए। और पहले से जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करेंगे तो फिर गेंदबाज तो चतुराई अपनाएंगे, जिस तरह से पिछली गेंद बिल्कुल सही तरीके से की थी गेंदबाज ने। बार कमाल का शॉट, जी हाँ, मिडल ऑफ द बैट, सब्बा इज ऑन फायर, इस ओवर में दो छक्के जड़े। और यहां पर पानी की जरूरत तो मुझे लग नहीं रही है, फिर भी जिस तरह से कॉन्स्टेंटन अपने ही खिलाड़ी का टूट जाता है, इसी प्रकार अगर आएंगे तो जानते हैं किस प्रकार से खेलना है, और सब काफी जल्दी में रहते हैं, पर यहां पर उनको धीरज रखनी होगी। शुरुआती तीन गेंद पर रन प्राप्त हुए हैं 14। और इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, एक अच्छी सोच गेंदबाज जुगल की, प्रारंभिक जोड़ी ने बेहतरीन रन बनाए थे, उसके बाद जल्दबाजी में उनका विकेट गवाया। अब खेल जो बचा है 9 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता, यहां से मुकाबला दोनों टीमों के लिए अभी भी बराबरों का है, विकेट की सलास यहां पर साफ। एक और खराब गेंद, हवाई फायर, गेंद को भेजा जा रहा है हवाई यात्रा पर, और यहां पर इस बार गेंद सीधी पानीपुरी के पास, 6 रन, और इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62। 8 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता, और बड़े कमाल का यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया जा रहा है सब्बा के द्वारा, 5 गेंदों में 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। बहुत ही कमाल की पारी कप्तान की ओर से, और इस बार तो नहीं मिलेगा, जिस तरह से आपने सफलिंग की थी, ऑफसाइड की आधी जगह पर तो आप ही आ गए थे, और यहां पर वाइड की गुंजाइश पूरी हुई, डॉट बॉल। आखिरी गेंद अनिशेष है, यहां से देखना होगा किस प्रकार से चतुराई दिखाते हैं। 7 गेंदों में जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता, 10 रनों की। इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, कैसे भी आए रनों की जरूरत है, खेलने का मजा तब आता है जब सामने वाले का लक खुद से ज्यादा हो, और यहां पर जिस तरह से पिछली ओवर की अच्छी गेंद आखिरी थी और बल्ले का बाहरी किनारा, और वहां से रन हुए प्राप्त 4, और इस ओवर से रन आए 25, कहीं ना कहीं जुगल थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए। एक युवा गेंदबाज, एक महत्वपूर्ण मुकाबले में उनको गेंदबाजी की कमान सौंपी गई थी, और जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। और देखा गया है गेंदबाज अभिषेक को काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पिछली ओवर में 2 क्लीन बोल्ड किए थे फुल टॉस गेंद पर, प्रतीक और सनील फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद। गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 6, प्रतीक स्ट्राइक पर मौजूद।
बिल्कुल सही सोच, यहां पर सिंगल के साथ पांच गेंदों में पांच रन। सुनील का यहां पर टेम्परमेंट देखना होगा, जिस तरह से जीत उनके लिए काफी जरूरी है। और अगर अभिषेक यहां पर रन नहीं बनाने देंगे तो उनको ₹1000 दिए जाएंगे मिलन टंडेल मोटे काम शेरी की ओर से। और यहां पर हवाई फायर, जी हाँ फील्डर वहां पर मौजूद। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये खेल को यहां से निकालना है, अब डूबती नहीं आग कौन यहां से निकाल पाएगा। कप्तान थे, जानते थे कि यहां से बिल्कुल साफ फुलटोस गेंद थी और फुलटोस गेंद को गैप ढूंढ निकालना था। फाइन लेग की तरफ बिल्कुल गैप था और यहां पर छक्के के लगाने के प्रयास में चौका भी गवाया और अपना विकेट भी गवाया। लेग की दिशा में बिल्कुल गैप था, पर मैंने आपसे पहले ही कहा था सुनील जो कि काफी जल्दी में रहते हैं, एक बार फिर यहां पर बहुत ही कमाल का खेल दिखाया था, पर जीत काफी जरूरी है उनके लिए। चार गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए पांच। चार गेंदों में जीतने के लिए पांच रनों की आवश्यकता। रॉकफोर्ड ब्लास्टर फिलहाल नंबर वन की पोजीशन पर है पॉइंट टेबल में। और इसी बीच काफी बाहर गेंद, जी हाँ वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 68। चार गेंदों में जीतने के लिए चार रनों की आवश्यकता। चार गेंद चार रन और इस बीच डाउन डकराउन जमीन के सहारे खेल लिया है और यहां पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंदबाज से हुई हल्की सी चूक। तीन गेंदों में जीतने के लिए दो रनों की आवश्यकता। तीन गेंद जीतने के लिए दो रन, बेहद रोमांचक मुकाबला। इसी बीच हुई एक अच्छी गेंद, डॉट बॉल। इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है। दो गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए दो। बेहद रोमांचक मुकाबला, बहुत ही रोमांचक मुकाबला बनता जा रहा है। छह गेंदों में जीतने के लिए छह रन चाहिए थे, अब यह मुकाबला आकर रुका है दो गेंदों में दो रनों का। एक गलती यहां पर, अगर रन नहीं बनाने देंगे तो ₹1000 मिलन टंडेल की ओर से। और इसी बीच इस मुकाबले में अभी भी जान बाकी है।
प्रकार से यहाँ पर रुका हुआ स्कोर है 70। आखिरी गेंद पर जीतने के लिए रन चाहिए 2। ये मुकाबला 6 गेंदों पर 6 रनों का था। बहुत रोमांचक मुकाबला होता हुआ, एक गलती और हार का सामना। रॉकफोर्ड ब्लास्टर की अगर बात की जाए तो पॉइंट टेबल पर सर्वाधिक स्टोन पर है। रन कंपलसरी चेस, बेहद रोमांचक मुकाबला। 6 गेंदों में 6 रन थे और यहां पर आखिरी गेंद पर जीतने के लिए रन चाहिए 2। आखिरी गेंद अनिशेष, अभिषेक गेंदबाजी पर। और यहां पर रन आउट, और यहां पर थर्ड अंपायर की भूमिका अब होगी। बेहद रोमांचक मुकाबला यहां पर रहा ऋषि 11 और रॉकफोर्ड ब्लास्टर के बीच। 72 का लक्ष्य था और जीतने के लिए आखिरी 6 गेंद पर 6 रन चाहिए थे।